नमस्कार, सीएमएन देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम आज का मुद्दा में। आज बात करेंगे युवाओं की राजनीति पर सोच की। क्या राजनीति में नेताओं की रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए? क्या नेता बनने के लिए कोई विशेष एंट्रेंस एग्जाम या पढ़ाई होना अनिवार्य होना चाहिए? आइए जानते हैं इन सवालों के जवाब बिजनौर की जनता से। हम बात करेंगे आज राजनीति पर। हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं। एक तरफ जहां सभी राजनीतिक दलों ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी सभी तैयारी शुरू कर ली है, तो हमारे साथ कुछ युवा मौजूद हैं, हम जानेंगे राजनीति पर। क्या नाम आपका? नहीं सर। नहीं जी, क्या कहेंगे आप राजनीति पर? आपका क्या नाम है? बॉबी जी, राजनीति पर क्या कहना चाहेंगे? राजनीति पर हम यही कहना चाहेंगे, हर बार चुनाव वोट मांगने वाले सरकारें हमेशा यही कहती हैं कि हम कुछ अच्छा करेंगे अच्छा करेंगे, लेकिन कोई सरकार आने वाले कुछ सालों में कुछ अच्छा नहीं कर पाती। अच्छा, क्या राजनीति में कोई रिटायरमेंट की उम्र निर्धारित होनी चाहिए? नहीं। अच्छा, राजनीति के लिए कोई स्पेशल पढ़ाई या कोई जरूरी है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। राजनीति तो कोई भी शुरू कर सकता है, अनपढ़ हो चाहे जाहिल हो चाहे पढ़ा लिखा हो। क्या नाम है आपका? राजा जी, क्या कहना चाहेंगे आप राजनीति के बारे में? और राजनीति के बारे में इतना कहना चाहते हैं कि अगर कोई भी हमारे देश से मतलब यहाँ बिजनौर में कोई भी कांड हो तो उसको राजनीति में ना लिया जाए, और जैसे कि कोई परेशान या मतलब पीड़ित हो तो उसको न्याय दिलाया जाए, हर बात को लेके उसे किसी भी तरह से राजनीति में ना जुड़ा जाए। तो राजनीति में क्या कोई रिटायरमेंट की कोई उम्र निर्धारित? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अच्छा, कोई स्पेशल पढ़ाई होनी जरूरी है? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हमने जानी यहाँ पर बिजनौर में सभी युवाओं की राय, आपने देखा युवाओं का राजनीति पर क्या यार किसी दिन कांड करवा देगा। क्या हो गया? हमारे देश में युवा वर्ग का अनुपात दूसरे वर्ग से ज़्यादा है और वे इस लिहाज से महत्वपूर्ण भी है, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या राजनीतिक दृष्टि से उनके सुझाव विचार अन्य पीढ़ियों से अलग हैं? हसनपुर के युवाओं ने राजनीति को लेकर अपने अच्छे खासे विचार रखे, आइए देखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैज वसीम। वसीम साहब, ये बताइए हमारा जो देश का प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए? पढ़ा लिखा होना चाहिए या अनपढ़ को बना दिया जाए? नहीं साहब, बिल्कुल पढ़ा लिखा होना चाहिए। हमारा जो देश है तो ये तरक्की की ओर बढ़ेगा जब ही हमारा फायदा होगा। हमारे देश में आप देख रहे हैं पुरानी पीढ़ी चलती भी आ रही है, कैसा देश पीछे जा रहा है, कितने साल देश पीछे पहुँच गए। हम चाहते हैं कि एक नया युवा हमारे देश का बनना चाहिए, प्रधानमंत्री बनना चाहिए, मुख्यमंत्री युवा हो हमारे देश के। अगर वो लोग नए आएंगे, नई पीढ़ी आएगी, तो नए विचार होंगे, नई चीज़ें होंगी देश में। जनरेशन जो है ये बहुत आगे बढ़ती जा रही है, तो हम चाहते हैं कि हमारी देश में युवा मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री होने चाहिए। क्या नाम है आपका? मुकेश कुमार। मुकेश जी, आज हमारे जो मुख्यमंत्री हैं प्रधानमंत्री हैं वो किस तरीके से होने चाहिए? पढ़े लिखे होने चाहिए, कैसे होने चाहिए? नहीं, ऐसा है जो प्रदेश में सरकार चल रही है, केंद्रीय में सरकार चल रही है, ग्रेजुएट होने चाहिए। जो पढ़े लिखे होंगे तो किसानों का विकास होगा, आम लोगों का विकास होगा, क्षेत्र में विकास होगा, और जब पढ़े लिखे नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा। पढ़े लिखे होने जरूरी हैं ताकि शहर का और प्रदेश का देश का विकास हो। क्या नाम है आपका? रोबिन त्यागी। त्यागी, बताइए हमारे देश का नेता कैसा होना चाहिए? हमारे देश का नेता युवा होना चाहिए, जिससे युवा सोच एक विकास की नई राह पे लेके जाने का काम करते हैं। पुराने नेता जो होते हैं वो पुरानी बातें करते हैं, नए नेता समाज को एक नया आईना दिखाने का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे देश का युवा जो भी हो वो हमारा नेता युवा हो, जिससे हमारे देश का भविष्य संभाल सके। क्या नाम है आपका? आदित्य वर्मा। आदित्य जी, ये बताइए आज के समय में जो है हमारा नेता जो है कैसा होना चाहिए? हमारा नेता युवा यंग होना चाहिए। यंग आदमी होगा तो वो युवाओं के लिए बात करेगा, पुराने नेता जो होते हैं पुराने विचारों की बात करते हैं। हम चाहते हैं युवा होगा तो युवाओं के लिए काम करेगा। युवा जोश ऐसा है आजकल नहीं, जनरेशन में अच्छी बातें आती हैं उनके दिमाग में,
पुराने आदमी जो होते हैं पुरानी बातें करते हैं। हम ये चाहते हैं हमारे देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री युवा हो। भारत का मानचित्र पिछले 4 सालों में जिस तेजी से बदल रहा है वो अचंभे की बात नहीं है, लेकिन क्या इस राजनीतिक क्षेत्र में किसी तरह से बदलाव की जरूरत है? बदलाव के तौर पर अगर युवाओं के राजनीति में आने की बात कही जाए या फिर वृद्ध नेताओं के रिटायरमेंट की बात हो, दोनों ही सूरतों में क्या रूपरेखा होनी चाहिए? इस बात पर भी हमारे संवाददाताओं ने बातचीत की युवाओं से, तो देखिए किस तरह के जवाब सामने आए। नमस्कार, मैं हूं रिजवान अंसारी। CMN न्यूज चैनल की टीम बुलंदशहर में है, जहां 2019 के आगामी होने वाले लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर युवाओं से जानते हैं उनकी राय कि नेता कैसा होना चाहिए, क्या रिटायरमेंट की भी उम्र होनी चाहिए या नेता शिक्षित होना चाहिए। तो आइए जानते हैं अपने युवाओं से कि युवाओं की क्या राय है, कैसा नेता होना चाहिए। निशान चौधरी। हाँ निशान जी, नेता मतलब कि जो हमारे आगामी प्रधानमंत्री बनेंगे उनकी मतलब एज तो डिसाइड होनी चाहिए, क्योंकि एक्सपीरियंस के साथ ही कुछ कर पाएंगे वो, मतलब कि और उनकी क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए थोड़ी बहुत, जिसके अनुसार लोग काम कर सकें। वरना अगर ऐसा ही बिना क्वालिफिकेशन का अच्छा नेता नहीं हो सकता, मतलब मुद्दों पर बात नहीं कर पाएगा वो अच्छे से, नहीं समझ पाएगा, तो उसको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। तो मेरा तो ये मानना है कि मतलब थोड़ा ग्रेजुएट नहीं, मतलब हाँ थोड़ा पढ़ा लिखा होना चाहिए जो मुद्दों की बात समझ सके और मतलब युवाओं को समझे और उनके रोजगार जो भी कुछ समस्याएं देश में मुद्दे चल रहे हैं उन पर बात करें और समझे उनको। यही नहीं कि मतलब कि फाल ऐसे ही कुछ करें, लेकिन हाँ मुद्दों की बात करें जिससे कि देश बढ़े आगे, को युवाओं की तरक्की हो, जिससे देश की तरक्की होगी, फिर तो यही नहीं दिख पाएगा। क्या नाम है आपके सर? आत्मप्रकाश। क्या कहना चाहते हैं आप, 2019 में जो होने वाले चुनाव हैं उनमें क्या कहना चाहते हैं, देश का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए? जी जी, मुझे एक तो आपसे प्रश्न से थोड़ा सा असहज है कि प्रधानमंत्री से हम बहस ना करके मुद्दों पे बात करें। मुद्दे पे बात करेंगे, मुद्दों की जो बात करें, देश के सामने सबसे बड़ी जो स्थिति है वो है शिक्षा की, स्वास्थ्य सेवाओं की और रोजगार। आज 2/3 जनसंख्या युवाओं की है और युवाओं की शिक्षा और रोजगार की जो समस्या है वो बहुत बड़ी दिक्कत है। इस पे जो भी प्रधानमंत्री या जो भी सरकार बने उसका सबसे पहला टारगेट युवा, और दूसरी जो चीज़ है वो है हमारे किसान भाई। तो किसानों के मुद्दों पे और शिक्षा रोजगार के मुद्दे पे बात करने वाला जो भी प्रधानमंत्री बने, उसमें योग्यता या वो क्या होगी वो एक अलग विषय है, लेकिन मुद्दों पे बात हो और ऐसी चीज़ हो कि जिसमें सभी व्यक्ति अपनी अपनी राय स्वतंत्रता से रख पाए। आप क्या नाम है? शिवम। क्या कहना चाहते हैं आप? सर, अभी का बजट आया था उसमें बोला गया था कि हम सभी के लिए, पिछली बार बोला था कि स्वास्थ्य सेवा का 5 लाख वाला बीमा होगा, लेकिन अगर इस बजट के हिसाब से देखें तो पर कैपिटा पर 1100 रुपये का एक व्यक्ति पर खर्चा हो रहा है स्वास्थ्य में, लेकिन वो बहुत कम है, और 3.5% बजट का हम सिर्फ शिक्षा पर दे रहे हैं, जबकि अगर इन दोनों चीज़ों को बढ़ाया जाए तो रोजगार का अपने आप ही सृजन हो सकता है, जो कि हमारे देश में अच्छी स्थिति में नहीं है। शिक्षा और स्वास्थ्य इन पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और जब अगर सरकारी व्यक्ति की उम्र डिसाइड है 65 या जो भी है, तो एक राजनीति में भी होनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाने पर इनका मुँह नहीं छोड़ता कुर्सी से, वो युवा पीढ़ी को आगे आना चाहिए और इसमें डिसाइड होना चाहिए। क्या नाम है आपका? अजय। क्या कहना चाहते हैं आप? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, आप सभी देखते हैं कि देश में दो राष्ट्र पार्टी है, एक बीजेपी और एक कांग्रेस, जिसको ज़्यादा लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, क्या सर कोई ऐसा थर्ड पॉइंट नहीं आ सकता जो देश के लिए और कुछ कर सके? जैसे कि आप देखते हैं लोग, और खासकर ये है जो हमारे युवा पीढ़ी है वो सर अनुभक्त बनी हुई है इन दो पार्टियों के पीछे, और खासकर बीजेपी जो जुमलेबाज सरकार है, और हम देख रहे हैं सर ये ऐसा नहीं है कि नहीं है, क्योंकि युवाओं के लिए जो वादे किए थे, किसानों के लिए वादे, सर कुछ भी नहीं है उसमें, असल में कुछ भी नहीं सर, वो हमारे हिसाब से कंफर्टेबल नहीं है सरकार, तो हम चाहते हैं किसी थर्ड फ्रंट को मौका दिया जाए। हम और युवाओं से अपील है, हमारी युवाओं से और किसानों से। क्या नाम आपका? अशोक। क्या कहना चाहते हैं आप? सर, जो आज के जो प्रेजेंट का मुद्दा चल रहा है, उनका जो विशेष ध्यान देना चाहिए, जैसे कि बेरोजगारी, ताजे समय लोग होते हैं बेरोजगारी, किसानों का जो लड़ाई धंधे करते हैं आज के टाइम में, दिल्ली में जाते हैं, रेलवे निकालते हैं, लेकिन इसमें जो विशेष ध्यान देना चाहिए। उस्मान है। उस्मान भाई, क्या कहना चाहते हैं आप, राजनीति क्या मापदंड होना चाहिए? राजनीति के लिए सबसे बेसिक ये है
कि किसी भी राजनीतिक पोस्ट के अकॉर्डिंग कम से कम क्वालिफिकेशन उसकी निर्धारित हो, और गवर्नमेंट की तरफ से भी जब हमारा डेमोक्रेसी एक कंट्रीज है तो एक रेफ्रेशर कोर्स ऐसा होना चाहिए कि उनको बेसिक क्वालिफाई करने के बाद में ही उसे इंटाइटल हो, कि जैसे हम एक छोटा सा टीचर बनाते हैं, एक लेक्चरर बनाते हैं, एक डॉक्टर बनाते हैं, तो पर्टिकुलर एक क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करने के बाद में ही इंटाइटल होता है। उसी तरीके से हमें लगता है कि पॉलिटिक्स में भी जो हमारा इतना बड़ा डेमोक्रेसी सिस्टम है नीचे से ऊपर तक, हमारी वहाँ पर भी एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए, एक रिफ्रेशर कोर्स करने के बाद उसे क्वालिफाई करें और देन वो आप पॉलिटिक्स में आए। और जहाँ तक राजनीति में एक रिटायरमेंट का और उसका फिजिकल और मेंटली उसका क्वालिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए बेहतर हो कि एक पर्टिकुलर एज जहाँ तक भी कोई चाहते हो उसका फिजिकल फिटनेस भी होना ठीक होना ज़रूरी हो, ताकि वो अपने मुल्क की या अपने सिस्टम की वो अच्छी तरीके से खिदमत दे सके। राजनीति में राजनीति की एक सीमा तय ज़रूर होनी है इस इलेक्शन में, जैसे कभी 5 साल का इलेक्शन विधायक का होता है, इसी तरीके से नेताओं की भी एक तो एजुकेशन होनी बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन ग्रेजुएट तो मस्ट होना चाहिए, कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए, और उसकी 60 साल या 70 साल बस इससे ऊपर नहीं उसकी होनी चाहिए, ये तय हमारी सरकार को करना पड़ेगा, सेंटर को करना पड़ेगा। क्या कहना है सुझाता आपको? देखिए, राजनीति के लिए मैक्सिमम एज जो है 65 साल होनी चाहिए, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी जो जस्टिस की एज है मैक्सिमम किया गया है 65 साल किया गया है, 65 साल के बाद आदमी को रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। दूसरा यह है कि यदि आदमी जो उम्मीदवार है कम से कम ग्रेजुएट होना चाहिए विधायक लेवल पर, और प्रधानी लेवल पर भी कम से कम इंटर शिक्षक योग्यता निर्धारित हो जानी चाहिए, जिससे कि अनपढ़ जाहिल लोग आकर राजनीति को दूषित न करें। तीसरा मेरा कहना यह है कि जो भी पॉलिटिक्स में आए, अब गंदगी बहुत हो गई है, क्रिमिनल्स को राजनीति से दूर कर देना चाहिए, जिसकी क्रिमिनल छवि हो, आपराधिक इतिहास हो, उसके मुकदमे उस पर चोरी डकैती के मुकदमे हो, उनको टिकट नहीं देना चाहिए और ऐसे आदमी को चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इससे राजनीति की जो है गंदगी साफ हो जाएगी और देश तरक्की करेगा। जय हिंद, जय भारत। सवाल चाहे बदलाव का हो या फिर अक्षमता का, या फिर परंपरागत बेड़ियों बंदिशों की बात हो, युवा वर्ग पर इन सवालों के जवाब अन्य पीढ़ियों से अलग नहीं हैं। युवा अलग तब होते हैं जब युग में बदलाव की राजनीति का बोलबाला हो। राजनीति को लेकर जहांगीराबाद के लोगों में काफी उत्साह दिखा, देखिए रिपोर्ट। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, जिससे युवा को आने वाली बच्चों को मौका मिले और देश का विकास अच्छी तरह से हो। अगर देश का विकास अच्छी तरह से असंभव है, अगर यही लोग 80 साल तक 90 साल तक काम करते रहेंगे, यही नेता चुन के जाते रहेंगे, तो इनकी, क्योंकि जो युवा वर्ग है उसमें वो ऊर्जावान होते हैं, तो जो नई ऊर्जा होगी वो नया विकास देगी और देश का विकास अच्छा होगा। राजनीति में नेता बनने के लिए एग्जाम, ट्रेनिंग या पढ़ाई होना जरूरी है? बिल्कुल होनी चाहिए। शिक्षित आदमी की सोच अलग होती है, अशिक्षित आदमी की सोच अलग होती है। दूसरी बात मेरा कहना मतलब है, स्वास्थ्य मंत्रालय, अगर एक उदाहरण के लिए कहूँगा कि अगर स्वास्थ्य मंत्रालय आपका है तो स्वास्थ्य मंत्रालय में डॉक्टर MBBS भी हो, मंत्री मंत्रालय में राज्य मंत्री BMS हो, और उसके नीचे भी अगर कोई पोस्ट है तो वहाँ पर BHMS हो, होम्योपैथिक का डॉक्टर हो, जो आम डॉक्टर की परत समस्याओं को समझ सके। क्या नाम है आपका? डॉक्टर NK अग्रवाल। उम्र होनी चाहिए? हाँ, राजनीति में नेताओं के रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए। जब तक नेताओं वो शरीर बढ़ावे की तरफ चलता है तो नेतृत्व क्षमता खत्म हो जाती है, और युवाओं को मौका आगे आने का मौका देना चाहिए। क्या नेताओं की ट्रेनिंग, एग्जाम या पढ़ाई लिखा होना जरूरी है? सर, एग्जाम तो जो पब्लिक है वो सब दिखा देती है कौन आदमी कैसा है। जहाँ तक पढ़े लिखे की बात है, हाँ, किसी भी नेता को पढ़ा लिखा होना बहुत ज़रूरी है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय। राजनीति में नेताओं की रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, जिस तरीके से सरकारी जॉब वगैरह में होती है इस तरीके से राजनीति में भी होनी चाहिए। एज ज़्यादा होने के बाद में आदमी समाज सेवा नहीं कर पाता, या समाज सेवा नहीं कर पाता तो फिर राजनीति करनी बेकार है, इसलिए रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए। सर, राजनीति में नेताओं की ट्रेनिंग, विशेष ट्रेनिंग या एग्ज़ाम या पढ़ाई होनी ज़रूरी है? एग्ज़ाम वगैरह नहीं हो तो, लेकिन ट्रेनिंग वगैरह अगर हो 1 साल की तो बेहतर है, तो सही तरीके से काम करें। पढ़ाई होनी चाहिए क्या? हाँ होनी चाहिए, कम से कम हाई स्कूल तो होना ही चाहिए। क्या नाम है आपका? परवेज आलम जहांगीर। क्या राजनीति में नेताओं की रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए? जी होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए। जब हमारे हिंदुस्तान में भारतीय संविधान में भी और अब जो बदलाव हुए हैं, 60 साल से 62 साल तक गवर्नमेंट विभागों से जब सभी लोगों को रिटायरमेंट दिया जाता है,
तो मैं समझता हूँ राजनीतिक लोगों की भी जो है का नेता बनने के लिए ट्रेनिंग एग्जाम या पढ़ाई लिखा होना चाहिए। नेता बनने के लिए 100% पढ़ा हुआ होना चाहिए। एमएलए को कम से कम ग्रेजुएशन और माने सांसद जी को पोस्ट ग्रेजुएशन। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, ये जो कोई भी सरकार आती है और मंत्री अपने अपने को बना देती है, इसमें भी थोड़ा फेरबदल ये होना चाहिए कि मान लीजिए स्वास्थ्य विभाग स्वास्थ्य मंत्री है वो स्वास्थ्य रिलेटेड होना चाहिए, किसी डॉक्टर को होना चाहिए, शिक्षा में किसी ना किसी टीचर को लेना चाहिए, चाहे वो रिटायरमेंट टीचर हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण कुमार सैनी। क्या राजनीति में नेताओं की रिटायरमेंट की उम्र होनी चाहिए? हाँ जी बिल्कुल होनी चाहिए। रिटायरमेंट की उम्र जब सरकारी कर्मचारी 60 साल में रिटायर्ड हो जाता है तो नेता क्यों नहीं हो सकता है? नेता को भी बिल्कुल रिटायर्ड होना चाहिए, उसके बाद उसे राजनीति करने का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। क्या नेताओं की ट्रेनिंग के लिए एग्जाम का विशेष ट्रेनिंग या पढ़ाई होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। अगर हमारा देश का नेता अनपढ़ होगा तो वो देश कैसे चला पाएगा? अगर वो पढ़ा हुआ होगा जब ही तो देश के लिए काम करेगा। जब हमारा नेता साइन नहीं कर सकता है किसी पत्र पर तो वो कैसे देश चलाएगा? क्या नाम है आपका? मोनू जिंदल। राजनीति को लेकर हिंदौन के युवाओं ने भी सीएमएन की टीम के साथ अपने विचार साझा किए और क्या कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। सर क्या नाम है आपका? विभांशु मोदी। सर क्या नेताओं को राजनीति में रिटायरमेंट भी होना चाहिए और शिक्षा के लिए भी कोई विशेष एग्जाम भी होनी चाहिए क्या? 70 वर्ष से ज़्यादा उम्र के राजनेताओं को राजनीति से संन्यास ले लेना चाहिए, युवाओं को आगे लाना चाहिए और चाहे वो संसद विधानसभा या सरपंच कोई भी जनप्रतिनिधि हो, लोकतंत्र में कोई भी जनप्रतिनिधि हो उसके लिए शैक्षणिक अनिवार्यता लागू करनी चाहिए। राजस्थान में पूर्ववर्ती सरकार ने शैक्षणिक योग्यता को पंचायत राज अधिनियम में लागू किया था लेकिन वर्तमान सरकार ने उस शैक्षणिक योग्यता को रद्द कर दिया। यह एक बहुत बुरी शर्म की बात है। हमारा देश शिक्षा की ओर अग्रसर हो रहा है और दूसरी तरफ राज्य सरकारें अगर शैक्षणिक योग्यता को खत्म कर रही हैं तो ये हमारे लिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही। देश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सीएमएन न्यूज़। नमस्कार।